हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। जविन में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के बड़ी खबर है। चंडीगढ़ अब कोरोना टीके की गुणवत्ता बढ़ाने पर करेगा शोध, ICMR ने शोध की थी अनुमति। रूटीन टीकाकरण में लगातार उपलब्धियां हासिल करने वाला चंडीगढ़ अब कोरोना टीकाकरण की गुणवत्ता बढ़ाने पर शोध करेगा। इसके लिए ICMR ने अध्ययन की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम PGI के विशेषज्ञों के साथ मिलकर तैयारी में जुट गई है। इसमें खास यह होगा कि अब तक प्रयोग किए गए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के मिश्रण डोज का ट्रायल पर लाभार्थियों पर उसके परिणाम का आकलन किया जाएगा। इसमें मुख्य फोकस इस मिश्रण टीके से निजात होने वाली एंटीबॉडी पर होगी। वही इसके साथ ही टीके की बर्बादी व कमी जैसे बिंदुओं पर भी राहत की उम्मीद जताई जा रही है। नेशनल गेम्स में हरियाणा का दबदबा, 39 पदों के साथ तालिका में शीर्ष पर। तो वेट लिफ्टिंग में पहला गोल्ड भी आया। गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा का दबदबा बरकरार है। नेशनल गेम्स में हरियाणा 18 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में लगातार शीर्ष पर बना है। 2 अक्टूबर शाम तक हरियाणा के खाते में 18 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक समेत कुल 39 पदक आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेशनल गेम्स पर नजर बनाए हुए हैं, विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के कनीना में पैर फिसलने से जोहड़ में गिरे माँ बेटे, महिला को सकोसर निकाला, बेटे की स्थिति गंभीर। कनीना उपमंडल के गांव बागहोत में 45 वर्षीय महिला सुबह करीब 9:30 बजे जोहड़ में मछलियों को दाना डालने गई थी। उसके साथ उसका 18 वर्षीय बेटा हर्ष भी था। अचानक पैर फिसलने की वजह से हर्ष जोहड़ में गिर गया। उसको बचाने के चक्कर में उसकी माँ शर्मिला भी जोहड़ में कूद गई। लोगों ने देखा तो उन्होंने महिला को बचा लिया। बाद में गोताखोरों की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद हर्ष को भी खोज निकाला। हर्ष को अस्पताल ले जाया गया, मौके पर पुलिस भी मौजूद है। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में शिक्षक की तेज धार हथियार से हत्या। ठसका रेलवे अंडरब्रिज के पास निजी स्कूल के शिक्षक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और हत्या कर दी गई। वह सुबह स्कूल के लिए गए थे, देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने उन्हें फ़ोन किया था। तब उन्होंने कुछ देर बाद वापस आने को कहा। बाद में किसी अज्ञात ने फ़ोन उठाया और शिक्षक के अंडरब्रिज के पास पड़ा होने की सूचना दी। हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा टली, चुनाव आयोग ऐलान पर संशय, विभाग ने तैयारियों का लेटर नहीं भेजा। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली थी, वो टल सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार के पंचायत विभाग ने आयोग को तैयारियों का लेटर नहीं भेजा है। इसी लेटर के आधार पर आयोग ने चुनाव का ऐलान करना था। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से औपचारिक तौर पर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। पहले घोषणा करने की वजह से चुनाव आयोग के अफसर अपनी खिल्ली उड़ते देख चुप्पी साध कर बैठे हैं। वहीं सरकार इसे चुनाव आयोग का काम बता प्रतिक्रिया से पल्ला झाड़ रही है। HSGPC सदस्य जसवीर सिंह खालसा पहुंचे लखनऊ साहिब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी प्रदेश भर के गुरुद्वारों का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को HSGPC के सदस्य जसवीर सिंह खालसा ने अम्बाला के ऐतिहासिक लखनऊ साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी में 1070 एकड़ पर बसेंगे 5 शहर, निवेशकों को आमंत्रित करने दुबई पहुंचे CM। तो हरियाणा के गुरुग्राम में विकसित होने वाली ग्लोबल सिटी की ज़मीन पर 5 शहर बसाए जाएंगे। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए हरियाणा के CM मनोहर लाल दुबई पहुंचे हैं। वहीं 15 बिल्डर कंपनियों की संचालकों से मुलाकात करेंगे। NCR में शामिल जिलों में एक पखवाड़े पहले ही लागू हुआ ग्रेप उद्योगपति बोले इंडस्ट्री को होगा नुकसान। तो NCR में एक पखवाड़े पहले यानी 15 अक्टूबर के बजाय 1 अक्टूबर से ही ग्रेटेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान यानी ग्रैब सख्ती से लागू हो गया है। इसका उद्योग धंधों पर असर पड़ना तय है, उद्योगपति जेंटर सेट तक नहीं चला सकेंगे। हरियाणा में सरपंची चुनाव की अनोखी घोषणा, महिला का वादा, गांव में जेड देवा जो भी कुवारा करवाऊंगी शादी। तो महिला ने चुनाव में जीतने के लिए ऐसा वादा किया है कि चौतरफा चर्चा का पात्र बना हुआ है। खूब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें महिला दावा कर रही है कि अगर चुनाव में लोग उसे जीत दिलाते हैं तो वह कुमारी लोगों की शादियां भी करवाएगी। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद।